स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शानस्कर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर बाबा की सरकार आ गई है। पूरे प्रदेश में बुलडोजर की खूब चर्चा हो रही है। आपको पता है 5 साल में बाबा का बुलडोजर कहां चला है। अभी सरकार बनते ही बीजेपी के विधायकों ने मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद में एक भी मांस की दुकान नहीं दिखनी चाहिए। प्रशासन को धमकाते हुए उन्होंने कहा, अधिकारी समझ ले, एक भी मांस की दुकान इलाके में नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ राम राज्य है। वो सबने आपका राम राज्य देखा है, जहाँ गंगा में तैरती हुई लाशों को कुत्ते नोच कर खा रहे थे, जहाँ एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसको रातों रात जला दिया जाता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ हड्डी भी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान सामने तले दिखाई दी। एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी वाली में, क्योंकि वाली में राम राज्य है। तो आपने सुना, यह बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर है, जो कह रहे हैं कि पूरे गाजियाबाद में एक भी मांस की दुकान नहीं दिखनी चाहिए। इनको पता होनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमान ही मांस नहीं खाता, बल्कि हिंदू भाई भी मांस खाते हैं। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद से एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हिंदू वाहिनी के लोग यह कह रहे हैं कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर या तो वे उतार ले, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, कान में घुस करने का काम करेगी। या आप चाहते हो कि नहीं दोगे? तो यह एक तरह से सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या यही है इनका राम राज्य, जहां एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। पता नहीं मोदी जी इस नारे में किसका सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com